For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. जी मैं डॉक्टर शकीब कुरैशी हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड इन रूमेटोलॉजी एंड बोर्ड सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसिन, और मैं अब 15 साल एक टीचिंग सेंटर में, टर्शरी केयर सेंटर यूएस में काम करने के बाद अब पाकिस्तान में जेनेसिस में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। तो अब एक मैं आपसे बड़ा अहम मौजू डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का बेसिकली मतलब है जोड़ों का दर्द, और जोड़ों का मतलब है कि जहाँ भी जॉइंट्स हैं बॉडी में उसके अंदर अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो उसे कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की मुख्तलिफ इकसाम हैं, और ये बड़ा अहम है कि आप उसकी प्रॉपर किस्म का डायग्नोसिस करें, यानी कि किस टाइप का आर्थराइटिस है, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो मेन चीज़ आपको ये डिफरेंशिएट करनी है या आपको पता करना है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसको ईजी टर्म में हम ये कह सकते हैं कि क्या वो रूटीन का जोड़ों का दर्द है कि जो ओल्ड एज में होता है, जिस तरह के कोई 60-70 साल का हो गया है, उसके घुटनों का गूदा ख़त्म हो गया है, या तो और या उसके अलावा उसको नेक की या बैक की प्रॉब्लम 70-60 साल की एज में शुरू हो गई है, तो जाहिर है कि हमारी बॉडी एज करती है और उसके साथ साथ हमारे जॉइंट्स भी एज करते हैं और कार्टिलेज लॉस होता है जिसकी वजह से हमें दर्द हो सकता है। ये तो हो गया आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन इसके बरखिलाफ एक और किस्म का आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द होता है जिसमें इवन बहुत यंग एज में, इवन बच्चों में भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, जिसके अंदर आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा सोलन यानी कि सूजे हुए, सोजिश का शिकार, बहुत ज़्यादा पेनफुल यानी कि बहुत दर्द, स्पेशली सुबह उठने के बाद। ये चंद अर्ली साइंस हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के। अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की चंद कॉमन किस्में क्या हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस जिसमें एक जिल्द की का रैश होता है, गाउट जिसे गंठिया कहते हैं, उसके अलावा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें बैक पेन होती है और इन्फ्लेमेशन होती है, और उसके अलावा लूपस, और लूपस की कई इकसाम होती हैं जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्में हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप कुछ चंद सिम्टम्स मैं बताऊँ जिनको आप बेसिस बना के आप बड़ी जल्दी ये जान जाएं कि आपको कितनी अर्जेंसी है टू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, यानी कि कितनी जल्दी आपको देखना चाहिए कि देर करने से नुकसान हो सकता है। अब वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आप जल्दी इलाज नहीं कराएंगे तो आपके जोड़ों को नाकाबले कह लें कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते वो नुकसान पहुँच सकता है, नाकाबले तलाफी कह लें आप। यानी कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? आपको सीवियर पेन होगी। सीवियर स्टिफनेस का मतलब है कि सख्त अकड़न होगी जोड़ों में। उसके अलावा आपके जॉइंट सूजे भी हो सकते हैं, और ये मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है, एक जोड़ भी हो सकता है और मल्टीपल यानी कि मुख्तलिफ जोड़ एक वक्त में भी हो सकते हैं। स्पेशली सुबह के वक्त आप बहुत ज़्यादा आपको दर्दें होंगी, बहुत ज़्यादा पेन और सोजिश होगी, और आपको इतनी होगी कि हो सकता है कि आप अपने बेड से निकलने में 10 से 15 मिनट लगा लें। हाउएवर जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की पेन और स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी काम डाउन होना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि आप दोपहर तक नॉर्मल फील करना शुरू कर दें। इसके बरखिलाफ अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है ओल्ड एज टाइप का, तो उसमें सुबह हो सकता है आपको इतनी दर्द ना हो, लेकिन जितना आप अपने जॉइंट्स को यूज़ करेंगे दर्द उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी एज अपोज टू इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के। तो ये आप 2-4 सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं फिर डिले ना कीजिए, क्योंकि डिले करने से नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। चंद इंपॉर्टेंट और चीज़ें ये हैं कि अगर आपको इन जोड़ों के दर्द के साथ एक ख़ास किस्म का स्किन रैश भी हो रहा है जिसे बटरफ्लाई रैश हम कहते हैं, जो गालों पर आता है इन केस ऑफ लूपस, या आपकी जिल्द जो है सिकुड़ना शुरू हो गई है, या आपको जिल्द पर ख़ास किस्म का रैश है जिसे हम सोरियाटिक रैश कहते हैं, जो कि बड़ा एक सिल्वर सा कलर का, सफ़ेद से कलर का होता है, स्पेशली कोनियों के आसपास, घुटनों के आसपास, या कई दफ़ा पूरे जिस्म पे,
तो वो आप पे बड़ी जल्दी उसका उसका पता करना है कि वो क्या है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये आप पे चंद पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर करने हैं कि आपने इसमें देर नहीं फिर करनी, आपको जल्दी देखना है किसी ना किसी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट को। अच्छा, इसकी चंद आप ज़ाहिर है आपके जहन में सवाल आया होगा कि फिर इसकी कॉजेज़ क्या है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वजह क्या हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मेडिकल फील्ड में और बहुत चीज़ें, हमें इसकी एक डेफिनेट वजह नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि अगर किसी फैमिली मेम्बर में स्पेशली लूपस या लूपस की तरह के कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं या गाउट है, तो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को है और आपको इसी तरह के सिम्टम हो रहे हैं, तो फिर आप उसको सोच सकते हैं कि ये आपके में भी ये वो बीमारी हो सकती है। कॉजेज जनरली हम इसकी जेनेटिक ही समझते हैं, यानी कि आप में कोई ऐसा पेरेंट्स की तरफ से ऐसी जीन्स ट्रांसफ़र हो गई हैं जो कि आपके लिए भी रिस्क फैक्टर बन गई हैं इन्हीं चीज़ों की के प्रोड्यूस होने का। इसको अमेरिका में बड़े लेवल पे स्टडी किया जा सकता है कि क्या इसमें हमारे आंतों के अंदर कोई ऐसे जरासीम तब्दील हो जाते हैं, या हमारी सन रेज ऐसी हैं जो कि हमारे जिस्म के खलियों के अंदर कोई तब्दीली लेके आती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। हमें इसका भी मुकम्मल पता नहीं है, लेकिन रिसर्च बहुत ज़्यादा लेवल पे ये की जा रही है, और इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में कोई ना कोई जवाब भी जल्द मिल जाएगा। अब आज से 15-20 साल पहले इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, गाउट आ गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस आ गया, इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लूपस, इसका इतना अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं था, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जोड़ों के दर्द से मायूस होकर ऑलमोस्ट अपाहिजों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। अब मैं आपको जो इतनी देर से ये इतने सिम्टम बता रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, यानी कि अहमियत ये है कि आप इसको बड़ी जल्दी पहचान के बड़ी जल्दी किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जूद असर बड़ा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बड़ी जल्दी आपके सिम्टम्स को कंट्रोल में ला के आपको एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजारने पर की अहलियत दे सकता है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पेन किलर्स काम नहीं करते, जो कि लोग अमूमन ब्रूफिन वगैरह शुरू कर देते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इसका मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स, यानी कि जो स्पेशली डिजीज़ के लिए बने हुए एजेंट्स हैं। और ये दो तरह के हैं, एक पुरानी टाइप के हैं जो कि हम फिर भी अभी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो चीपर होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, और कुछ इंतहाई जदीद हैं क्योंकि जो आपके सिम्टम्स को बड़ी तेज़ी से कंट्रोल करके आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजारने के अहल बना देते हैं। इसीलिए लेकिन आप अगर किसी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये आपका इन्फ्लेमेटरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो आपका इलाज बड़ी जल्दी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है।